वेलकम नीतू किचन कॉर्नर, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाया है मैंने मसाला तुरई। तो ये कैसे बनाया है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आधा किलो मैंने तुरई लिया, जिसे गिलकी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसको गिलकी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में इसको तुरई के नाम से जाना जाता है। तुरई जो हर किसी को कभी भी पसंद नहीं आती है, और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगी और आपकी सब लोग तारीफ भी करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये धो के छील के इस तरह से मैंने कट कर लिए, तो सभी को मैंने इस तरह से पूरा काट लिया है। मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है स्वाद के अनुसार, एक चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच मैंने लिया है गर्म मसाला, और थोड़ा सा लिया है मैंने बेसन। बेसन मैंने इसलिए लिया है, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमेशा पानी छोड़ती है, तो इसके रसे को थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए इसमें बेसन का ऐड किया है। और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, और ये मसाले जो हैं चारों तरफ हम फैला देंगे। इसमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसमें डालेंगे हम दो चम्मच ऑयल, तेल डालना है, और तेल डालने के बाद में इसको मसाले की ओर कोटिंग अच्छे से कर देनी है। अच्छे से अपने हाथों से या चम्मच की सहायता से आपको इसको मिलाना है। पूरा मसाला इसके ऊपर लग जाना चाहिए। ये जितनी भी कटी हुई तुरई हैं इनके ऊपर मसाला अच्छे से लग जाना चाहिए। फिर हम बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने तेल गरम होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। तेल गरम होगा, इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा जब थोड़ा सा भुनने लग जाएगा, इसके बाद में डालेंगे हम कुछ कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अकॉर्डिंग आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, तो इसमें हरी मिर्ची हम डाल के भूनेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सब्जियों में, स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती है। लाल मिर्ची से ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हरी मिर्ची लाभदायक होती है। तो हरी मिर्ची को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसके बाद में हम जो मसाले की तुरई है वो डालेंगे। बस इसके अंदर डाल देना है, अच्छे से आँच पे, हल्की आँच पे इसको हल्का हल्का भूनना है और ढक के रख देना है। बस इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि तुरई ऑलरेडी पानी बहुत छोड़ देती है। इस तरह से आपको ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है। जब पकेंगी तब इसके बाद में हम इनको चेक करेंगे। इसको ढक के 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी छोड़ने लग गई है, ये देखिए पानी छोड़ दिया है इस तरह से। ये सारा पानी चारों तरफ छोड़ देगी, तो गाढ़ा गाढ़ा रसा बन चुका है इसका। ज़्यादा पतला नहीं हुआ है, गाढ़ा गाढ़ा हो गया, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है। अब डालेंगे हम खुशबू के लिए धनिया। धनिया से अच्छे से इसको गार्निश कर लिया, तो धनिया डाल के और भी स्वाद दुगना हो जाता है और हर किसी को अच्छी लगेगी। ये हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखिए मेरी मसाला तुरई बनके तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।